अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों खैर खैरियत से होंगे। तो आइए दोस्तों आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले कि दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है और दोस्तों ऐड इसके साथ जो होता है वो आप लोगों ने लाजमी पूरा देखना है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ये गोल्डन जोड़े से। दोस्तों देखिए गोल्डन जोड़ा भी दोबारा से अंडों पर आ गया है, दोबारा इंशाल्लाह अंडे देगा इसके। ये देखिए बेबी, देखिए माशाल्लाह ये बेबी कितने ज़बरदस्त और कितने फिट हैं। सेकेंडली ये तलहा गौरी वाले दोस्तों हम लोग बच्चे देखते हैं कि ये कैसे हैं। देखिए दोस्तों तलहा गौरी वाला जो नर है बच्चों पर बैठा हुआ है, इसके बेबी वाह माशाल्लाह दोस्तों बिल्कुल फिट है, फाट है और ज़बरदस्त है। देखिए और ये देखिए चीनी मादी का बड़ा वाला बेबी माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों बिल्कुल बड़ा हो गया। इसके पाँव में हमने एक रिंग डाला था 43 नंबर का दोस्तों। और ये हमारा सियालकोटी बेबी पिजन है माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, ये भी फुल मादी और ये भी मादी दोस्तों, दो मादियाँ बनी हैं। और ये देखिए हमारा पुराना वाला बेबी पिजन जो बड़ा फुल नर बन गया है इंशाल्लाह दोस्तों, इसकी भी मादी आएगी। और एक ये देखिए ये काजिम वाले जो जोड़ा था, जोड़ा है उसका जो बेबी पिजन था एक ही रह गया था, एक जो था वो पता नहीं वल्लाह आलम कहाँ चला गया था, एक रह गया है। देखिए दोस्तों एक ये कितना क्यूट सा बना है, जॉन सीरा टाइप का अपने बाप की तरह दोस्तों बनेगा। देखिए ये इसका बाप है और ये इसकी माँ है, इंशाल्लाह इसी तरह का ये बनेगा। और इधर देखिए हमारे मक्को आइस और उसका बेबी दोनों ही माशाल्लाह से एक जैसे लग रहे हैं देखिए दोस्तों। और इधर देखिए ये हमारा जो है वाइट मादी और टेडी बड़े वाला कबूतर। और इधर देखें जॉन सीरी वो जो चीनी मादी है उसका बेबी है और उसका जो नर, इसका सेकंड बेबी दोस्तों ये हमने पिंजरे में अलग से बंद किया हुआ है दोस्तों। इसके थोड़ा सा ज़ख़म हुआ था तो इस पर सारे ही कबूतर इसके ज़ख़म पे मार रहे थे तो अलग से बंद कर दिया। ये दोस्तों अलग से दाना वाना भी खा रहा है, इसको पानी वानी भी डाल रहे हैं, ये खुद से खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक के दोस्तों इसके पेरेंट्स हैं वो भी इसको मार ही रहे हैं। इधर देखिए चीनी मादी ने माशाल्लाह से दोबारा से अंडे दे दिए दोस्तों, दोबारा अंडों पे बैठ गई है। और ये देखिए चीनी मादी दोबारा से अंडों पे बैठ गई है। इधर जो है हमारी जीरी मादी और टेडी नर इसके अंडे हैं दोस्तों। ये देखिए इसको देखते हैं कि इसने बच्चे बच्चे निकाले हैं या फिर अभी नहीं। मेरे ख्याल में अभी बच्चे इसने नहीं निकाले तो इसके भी माशाल्लाह से दो अंडे, इसके भी माशाल्लाह दो अंडे हो गए। तो इधर इन्होंने घोंसला हमने बनाया था, ये देरी मादी जो है दोस्तों गुस्सा कर रही है, मुझे कुछ करने नहीं दे रही। इधर से देखें, इधर से एक दूसरे का घास खींच खींच के वो उसका खींच रही है, वो उसका खींच रही है दोस्तों। तो इसको सेट कर देते हैं ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो। देखिए जीरी मादी जो है वो गुस्सा कर रही है इसी वजह से दोस्तों, इसको तंग नहीं करते इससे पहले कि इसके अंडों को कोई प्रॉब्लम हो। और इधर वाला जोड़ा देखें दोस्तों, ये जोड़ा देखें हमारा जो है ज़ख्मी कबूतर जो था जॉन, ये कलसरा कबूतर है और ये हमारी मादी दोस्तों। ये मादी का पता नहीं आप लोगों ने क्या नाम दिया था, कौन सी नस्ल है मैं तो भूल गया हूँ अभी। आप लोगों ने फिर से दोस्तों मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि ये कौन सी मादी है। ये हमारा टेडी नर दोस्तों, मुझे ये अपने कबूतरों में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त कबूतर यही लगता है। इधर देखें ये अंडों से उड़ गया अपने, इसके अंडे देखें दोस्तों, अब मादी जाकर इसके अंडों पर बैठ जाएगी इंशाल्लाह।
ये तलहा गोरी वाली मादी को देखें दोस्तों, ये आजकल जो है इन्होंने ऊपर बच्चे दिए हैं। बच्चे जो हैं एक एक मादी या नर उधर बैठता है, दूसरा इधर उधर ही घूमता रहता है। तो आइए दोस्तों, बाहर चलते हैं, बाहर इनको दाना वाना देते हैं ताकि ये आकर दाना वाना अपना खा सकें। और इनको हम आज दोस्तों जो हमारे एक दो कबूतर हैं तो ये वाले को देखेंगे, इसको हमारे जो सियालकोटी है उसको, और तीसरा एक और कबूतर है उसको उड़ाना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला कबूतर जो है हम लोगों ने ये उड़ाना है आज, इसको उड़ाते हैं। और इसके साथ हम लोगों ने आज उड़ाने हैं दो और कबूतर दोस्तों। आज कबूतरों को उड़ाने का दिन है, हम लोग कबूतर उड़ाएंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा पुराना ललसिरा कबूतर है दोस्तों, इसको उड़ाएंगे। और बाहर दिखाता हूँ मैं आपको, मैं अंदर हूँ पिंजरे के, और बाहर दिखाता हूँ मैं कौन सा कबूतर है। देखिए दोस्तों, जो पिंजरे में बच्चा मैंने बंद करा हुआ था, वो बच्चा दोबारा से मैंने बाहर निकाला है। तो उसकी माँ जो है उसको दाना खिलाते हुए दोस्तों, शुक्र है दोस्तों, इसको मैंने इसी वजह से बाहर निकाला है कि खुद से भी दाना खा, खुद से भी दाना थोड़ा बहुत खा ले और अपनी माँ बाप शायद खिला दूँ दोस्तों। माशाल्लाह से खिला दिया, शुक्र है अल्लाह पाक का कि इन्होंने इसको दाना खिला दिया। और ये देखिए दोस्तों, ये बच्चे भी मैंने बाहर ही निकाल दिए ताकि ये भी दाना वाना अपना खाना सीख लें, इसी ऐसे कि कल को इनके पेरेंट्स इनको तंग ना करें दोस्तों। तो दोस्तों, बच्चों की जो है हालत ठीक नहीं है, इसी ऐसे कि ये बीमार हो गए, दाने वाने निकल गए हैं दोस्तों, पता नहीं क्या बीमारी फैल गई हमारे केज में। और हो भी सिर्फ बच्चों को ही रहे हैं दोस्तों, बड़े कबूतरों को नहीं होते, बच्चों को ही होते हैं। दूसरे कबूतर जो हैं गंदे, वो अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, दूसरों के बच्चों को भी मारना स्टार्ट कर देते हैं गंदे। वो देखिए दोस्तों, अपना भी नीचे से भी दाना अपना उठाकर खा रहा है। माशाल्लाह, दाना सीख जाएगा तो इंशाल्लाह दोस्तों ये पल जाएगा। इसी वजह से दोस्तों मैंने इसको अलग किया है। देखिए, सारे जो जितने भी कबूतर इसके सामने आते हैं वो इसको मारना शुरू कर देते हैं। और देखिए दोस्तों, एक और आज माशाल्लाह से गुड न्यूज़ ये है कि हमारी जो मक्को आइज बेबी है, कबूतर है, इसने माशाल्लाह माशाल्लाह से एक अंडा और दे दिया। देखिए दोस्तों, माशाल्लाह से माशाल्लाह कमेंट ज़रूर करिएगा। माशाल्लाह दोस्तों, बहुत अच्छी केयरफुल मादी है और इंशाल्लाह अपने अंडे की अच्छी केयर करेगी दोस्तों। तो इधर देखिए दोस्तों, इधर कबूतर पर मैंने उड़ाए थे, यहाँ पर बैठ गए हैं, ये और पीछे सियालकोटी बेबी है दोस्तों। इन दोनों को ही दोस्तों उड़ाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इनको हम लोग उड़ाते हैं। उड़ाने के बाद देखिएगा दोस्तों ये कैसे लगते, नहीं वो सामने ही जाकर के दोनों बैठ गए। तो उनको बैठे लेने देते हैं दोस्तों। और बच्चों को दिखाता हूँ मैं आपको, चार हमारे जो बेबी पिजन है माशाल्लाह से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे बेबी पिजन है। पहली मरतबा दोस्तों इतने गंदे बेबी पिजन हमारे हो रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा देते हैं। हम ट्रेनिंग देते हैं दाना वाना ये, ताकि अपना थोड़ा बहुत खाना सीख लें। चलो
चारों ही तकरीबन एक जैसे हैं, ये वाला और ये वाला, ये और ये दोस्तों उसका है क्या नाम है गोल्डन का, ये जीरी मादी के हैं दोनों, चारों ही बेचारे बीमार हो गए हैं। अल्लाह इनको सेहत दे, दुआ करिएगा दोस्तों अल्लाह पाक इनको सेहत दे। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है इनके लिए हम क्या करें ऐसा कि ये ठीक हो जाए दोस्तों, चारों के चारों ही बीमार हुए हैं, चारों के ही दाने निकले हुए हैं। तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताना है हम इनको ऐसे दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह क्या दें कि ये ठीक हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों इसके साथ ही देखते आप सारे कबूतर ही हमने बंद कर दिए हैं, ये बच्चे हैं इनको मैं अलग से ही बंद करूंगा ताकि इनको धूप में थोड़ा सा रख देंगे, धूप इनको थोड़ी सी लगती रहे। और दोस्तों इसके साथ ही आप हम लोग करते हैं बंद, बंद करने के बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग, मुझे जाना है जॉब पे। और दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। और इसके साथ ही दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ नासिर।